वर्तमान समय में मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ दो दो छात्र संगठनों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। एक तरफ आयशा जहां भूख हड़ताल पर बैठी हुई है, वहीं दूसरी तरफ मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा ललित बाबू स्मारक के सामने बैठकर एक दिवसीय धरना दिया। इन लोगों का मांग है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार। बैनर में ये लोग लिखे हुए हैं कि फर्जी कुल सचिव को बर्खास्त करना होगा। इन लोगों का मांग है कि वर्तमान में जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अगर हम लोग के मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन सही समय रहते हुए सही निर्णय नहीं लिया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। आज हम लोग ललित नाय मिथिला विश्वविद्यालय में जो फैली अराजकता है, इससे पहले ललित नाय मिथिला विश्वविद्यालय में जो उन पे आरोप लगा है मुश्ताक अहमद सर पे, जो अभी वर्तमान में ललित नाय मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये मिल्लत कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य उन पे आरोप लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं मारवाड़ी कॉलेज के प्रधानाचार्य उन पे आरोप लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं जो राजभवन से भी उन पर नोटिस जारी हुई है, उसके बावजूद इन्हें फर्जी तरीके से कुल सचिव बना दिया जाता है। और जब से विश्वविद्यालय में कुल सचिव बने हैं तब से छात्रों की आवाज़ को ये दबाते हैं। मैं मीडिया और बंधुओं के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, इन पे जो आरोप लगे हैं उनका फिर से निष्पक्ष जाँच हो और तत्काल मुश्ताक अहमद को कुल सचिव के पद से बर्खास्त करें। अगर आने वाले दिनों में, मैंने साक्ष्यों के आधार पर यहाँ के कुलपति महोदय को आवेदन दे रखा है, अगर आने वाले दिनों में हमारी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं होता है, यानी कि मुश्ताक अहमद को अगर अपने पद से बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हैं, आने वाले दिनों में लोकतंत्र की प्रति को अपनाकर हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। नाम बताया जाए? अभिषेक कुमार झा, दरभंगा जिला अध्यक्ष मिथिला स्टूडेंट।